सीएम कमलनाथ ने क्या कुछ कहा है ये सुनवा देते हैं। अब तक कांग्रेस पार्टी ने मध्य प्रदेश की जनता को जो वचन पहले दिए थे जिससे आप सभी अवगत हैं, मैं उन्हें रिपीट नहीं करना चाहता हूं। उन वचनों को पूरा करने के लिए हम संकल्पित हैं, जैसे कि हमारी कर्ज माफी की हुई, वो तो हमने पहले करी थी तो उसको मैं रिपीट नहीं कर रहा, पर यही कह रहा हूं कि जो हमारे पहले वचन थे उसके लिए हम संकल्पित हैं और सभी कुछ नए जो वचन हैं उनसे मैं आपको अवगत कराना चाहता हूं। किसानों के लिए हमारे मध्य प्रदेश की अर्थव्यवस्था आधारित है हमारे कृषि क्षेत्र, 70% हमारी आबादी जुड़ी हुई है कृषि क्षेत्र से, हमारी अर्थव्यवस्था की नींव है हमारा कृषि क्षेत्र और यही बहुत बड़ी प्राथमिकता है। मध्य प्रदेश किसानों का प्रदेश है, हम चाहते हैं कि किसानों को फसलों के उतने दाम मिले जितने में उनका घर भी चले और दो पैसे भी बचे, हमारे किराने की दुकान गांव गांव में भी चले। आज किसानों की जेब में पैसा होता है तो किराने की दुकान भी चलती है। हमने किसानों के हक में देश का सबसे बड़ी क्रांतिकारी निर्णय लिया है। कांग्रेस सरकार धान 2500 रुपए प्रति क्विंटल खरीदेगी, हम गेहूं 2600 रुपए क्विंटल पर खरीदेंगे और मेरा मिशन है कि किसान को 3000 रुपए प्रति क्विंटल। तो पूर्व सीएम कमलनाथ सिंह को आप सुन रहे थे कि किस तरीके से उनके द्वारा कहा गया है कि किसानों का जो भी कर्जा है उसको माफ किया जाएगा और इसी के साथ घोषणा पत्र में कई बड़े ऐलान उन्होंने किए हैं और बता दें इससे पहले भी यही घोषणा पत्र में ऐलान उनके द्वारा किया गया था, वचन पत्र इसका नाम दिया गया है। दिनेश लगातार हमारे साथ बने हुए हैं। दिनेश देखिए, पिछली बार भी घोषणा पत्र का ऐलान हुआ था जो कि एक चरणबद्ध तरीके से जो भी चुनावी प्रक्रिया होती है, इस बार जो घोषणा पत्र का ऐलान कांग्रेस ने किया है क्या अनोखा क्या नया आपको नजर आ रहा है जो कि चुनाव में उनको मदद कर सकता है? बिल्कुल बात किया तो छुट्टी हम इस हिसाब से बात करें तो मध्य प्रदेश में जो कांग्रेस है लगातार एक्टिव और एक अलग अंदाज यहाँ पर देखी जा रही है क्योंकि कहीं ना कहीं कांग्रेस इस विधानसभा चुनाव को एक अलग तरीके से यहाँ पर ले रही है। 2018 का विधानसभा चुनाव जो हुआ था उसमें एक गुट था ज्योतिराज सिंधिया का, लेकिन वो गुट ज्योतिराज सिंधिया का अब मध्य प्रदेश से खत्म हो चुका है तो कांग्रेस को लग रहा है कि अब कांग्रेस एक गुटता के साथ होकर पूरे मध्य प्रदेश में काम करेगी। इसी को लेकर आज जिस हिसाब से वचन पत्र कांग्रेस ने जारी किया उसमें कहा जाता है कि नए नए जो वचन पत्र के साथ कुछ नई योजना को भी यहाँ पर जगह दी गई है, साथ ही बात किया तो पुरानी जो चीजें थी उनको यहाँ पर कहा कि हमने इसमें शामिल किया है। तो इस हिसाब से महिलाओं की उन्होंने बात की तो महिलाओं को यहाँ पर डालने की बात की, जिस हिसाब से हम किसानों की बात करें इसमें कृषि प्रधान क्षेत्र मध्य प्रदेश माना जाता है, इसमें बात किया तो गेहूँ और धान है वो यहाँ की महत्वपूर्ण फसल होती है, उसको लेकर उन्होंने कहा है कि 2600 रुपए प्रति क्विंटल हम यहाँ पर गेहूँ खरीदेंगे, साथ ही उन्होंने धान को लेकर यहाँ पर घोषणा की है। कहीं ना कहीं यहाँ पर देखा जा रहा है कि जो कमलनाथ है वो कांग्रेस से जो मध्यप्रदेश में उसको लेकर पूरी तरह एक्टिव दिखाई दे रही है, जिस हिसाब से आज घोषणा पत्र में जारी हुआ है उसमें हम देखते हैं युवाओं के लिए जगह दी गई है, महिलाओं के लिए जगह दी है, किसानों के लिए जगह दी है और तमाम तरीके की यहाँ की जो एक मुफ्त घोषणा यहाँ पर की गई है जिसको लेकर कांग्रेस को लग रहा है कि ये घोषणा पत्र जो है जमीन स्तर पर पहुंचेंगे तो लोगों को एहसास होगा कि कांग्रेस ने यहाँ पर कहीं ना कहीं बड़ा काट यहाँ पर खिला है। हालांकि मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने जैसे ही कांग्रेस का वचन पत्र आया है उसको लेकर कहीं ना कहीं निशाना साधा है, उसने कहा है कि शिवराज सिंह चौहान ने एक बार फिर जो है कांग्रेस यहाँ पर झूठ बोल रही है। 2018 में भी उन्होंने बड़ी बड़ी घटनाएं उठा ली यहाँ पर किए लेकिन पूरा नहीं किया था, इसको लेकर सीएम शिवराज सिंह चौहान यहाँ पर निशाना साधते दिखाई दे रहे हैं। साथ ही हम बात करें जिस हिसाब से कमलनाथ ने कहा है कि कर्ज माफी जो हम पुराने तरीके से हम उसको दोबारा शुरू करें क्योंकि जब 2018 में कांग्रेस सरकार बनी थी जितनी कांग्रेस ने वादा किया था 300 रुपए से 600 रुपए यहाँ पर पेंशन दी जाएगी तो महिलाओं को क्या लोगी थी, कुछ किसानों का कर्जा जो बात करें हम 10,000 से लेकर 1,00,000 तक की जो सोसाइटी का कर्जा है वो भी यहाँ पर माफ करता है, हालांकि 2,00,000 रुपए तक का कर्जा यहाँ पर माफ नहीं किया गया था जिसके चलते कहीं ना कहीं भाजपा और भाजपा के नेता लगातार हमलावर कांग्रेस पर उतरे थे कि 2,00,000 किसानों के कर्जे के 10 दिन में माफ करने की बात कांग्रेस द्वारा की गई थी लेकिन
2 लाख तक का कर्जा यहाँ पर कांग्रेस माफ नहीं कर पाई। इसका एक बड़ा कारण ये भी रहा था कि 15 महीने ही कांग्रेस की सरकार यहाँ पर चली थी, उसके बाद जो है कांग्रेस की सरकार चलते 1 लाख तक का कर्जा माफ हो रहा था, उसके चलते यहाँ पर कांग्रेस हमलावर थी और कांग्रेस पर बीजेपी हमलावर थी। और वही बात आज भी बीजेपी दोहराती है कि मध्यप्रदेश में कांग्रेस ने 2018 में कहा था कि 10 दिन में हम कर्जा माफ कर देंगे, सीएम बदल देंगे, राहुल गांधी ने खुद यहाँ पर मध्यप्रदेश में कहा था, लेकिन कर्जा माफ कहीं ना कहीं वो नहीं कर पाई, क्यों समय उनका 15 महीने का था, उसके बाद यहाँ पर। अच्छा देखिए बीजेपी भी पूरी फोकस कर रही है कि इस बार महिलाओं का जो वर्ग है उसको साधा जाए, क्योंकि महिलाओं वोटरों की संख्या जो है अब बढ़ती जा रही है, तो तमाम पार्टी कोशिश कर रही है कि उनके वर्ग को साधा जाए। अगर बात की जाए यहाँ पे दिनेश, तो देखिए बीजेपी ने 2 हथकंडे अपनाए हैं। पहला महिला आरक्षण बिल जो कि केंद्र में लाया गया है, लेकिन इसका असर जो है राज्यों में भी देखने को मिल सकता है। दूसरा जो है वो शिवराज सिंह चौहान का लाडली बहना, जो उनकी तरफ से पैसे वितरित किए जाते हैं हर महीने, क्या लगता है जो कांग्रेस के चुनावी घोषणा पत्र में है उस पे असर ज्यादा देखने को मिलेगा या उसकी तुलना में बीजेपी को इसका लाभ मिल सकता है? देखिए मैं आपको बता दूं, जिस तरीके से कांग्रेस ने यहाँ पर अपना पहले ही विधानसभा चुनाव की तारीखों के ऐलान होने से पहले ही, महीनों पहले ही उन्होंने कहा था कि हम मध्य प्रदेश में नारी सम्मान योजना यहाँ पर चालू कर रहे हैं, जिसमें मध्य प्रदेश की सभी जो महिलाएं हैं उसको यहाँ पर 15 महीने यहाँ पर देने की बात की, उसी को यहाँ पर एक बड़ा कार्ड खेलते हुए मध्य प्रदेश में भाजपा ने मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने यहाँ पर लाडली बहना योजना यहाँ पर चालू की थी। उनको लग रहा था कि कांग्रेस ने एक बड़ी घोषणा यहाँ पर महिलाओं को कर दी है, क्योंकि मध्य प्रदेश की आधी आबादी महिलाओं को लेकर कहा जाता है, ऐसे में अगर कांग्रेस इस योजना की यहाँ पर शुरुआत करती तो भाजपा को निश्चित रूप से यहाँ पर नुकसान होता, लेकिन भाजपा ने भी यहाँ पर जल्द इस योजना पर काम करते हुए मध्यप्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने यहाँ पर लाडली बहना योजना यहाँ पर बनाई थी, उसके तहत 1000 रुपए यहाँ पर जारी कर दिए गए थे जैसे योजना की शुरुआत की, उसके बाद बढ़ाकर 1250 रुपए हैं। और मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने यह भी कहा था कि इस योजना में 1000 रुपए नहीं, इस योजना के तहत हम हर महिला को यहाँ पर 3000 रुपए यहाँ पर देने की यहाँ पर बात की थी। तो जिस हिसाब से बात किया तो दोनों तरफ से महिला वोटर को मध्य प्रदेश में यहाँ पर साधने की बात की देखी जा रही, क्योंकि दोनों ही पार्टी दोनों ही दल हैं जो चाहते हैं कि मध्य प्रदेश में महिलाओं को साधना एक अहम जिम्मेदारी हो सकती है, जिसके तहत मध्य प्रदेश का जो विधानसभा चुनाव है उसमें यहाँ पर कहीं ना कहीं जो है जमीन स्तर तक पहुंच के यहाँ पर मैं सामने ड्यूटी। कमलनाथ ने कह तो दिया है कि इस बार एमपी का जो चुनाव होने वाला है आईपीएल की टीम बनेगी, लेकिन किस तरीके से मुमकिन है, क्योंकि पिछले बार ज्योतिरादित्य सिंधिया ने तो उनका खेमा छोड़ दिया था। बिल्कुल बात किया है मैंने, जिस तरीके से सवाल में पहले ही कहा है कि मध्य प्रदेश में एक बड़ा गुट था ज्योतिरादित्य सिंधिया जी का, जो 2018 के विधानसभा चुनाव के बाद 2020 में यहाँ पर उनका जो दल है वो यहाँ पर छूट चुका है, और लोगों को कांग्रेस के लोगों को ये लग रहा है कि ज्योतिरादित्य सिंधिया यहाँ पर भाजपा में चले गए, तो कहीं ना कहीं एक बड़ा धड़ा है जो वो यहाँ पर कांग्रेस से चला गया, क्योंकि अलग अलग गुटबाजी की यहाँ पर मध्य प्रदेश में बात कही जाती थी कि जो कमलनाथ गुट अलग है, दिग्विजय सिंह का गुट अलग है, ज्योतिरादित्य गुट अलग है, साथ ही बात करें हम जैसे और भी नेता है जय सिंह राहुल है, अरुण यादव, और यही गुट था जिसकी वजह से उनकी सरकार कुछ महीनों बाद ही गिर गई थी दिनेश, और सरकार फिर से अब खड़े करने में देखना होगा कितनी जद्दोजहद वो करते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद आपका तमाम जानकारी के लिए। तो बता दें कि घोषणा पत्र का ऐलान हो चुका है, कांग्रेस ने घोषणा पत्र जारी कर दिया है, इसी के साथ उन्होंने कई वादे इस चुनावी पत्र में किए हैं जिसका नाम वचन पत्र दिया गया है।